first test match at Kingston, Jamaica, Dilip Sardesai scored 212, the first Indian to score a double century abroad. From that test match onwards till the next four for the series, India had the psychological upper hand because of Dilip Sardesai's double century. 1960-61 में पहली बार दिलीप सरदेसाई उभर के आए उन्हें पाकिस्तान टीम के विरुद्ध दो फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने का मौका मिला और उन्होंने चयनकर्ताओं के अध्यक्ष लाला अमरनाथ को काफी प्रभावित किया लाला इतना इन्फ्लुएंस हुए कि लाला ने उनको पुश किया कि इस लड़के को टेस्ट टीम में लेना चाहिए तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर आप राइट मैच में रन बना दे आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए लाला अमरनाथ की तरह जो आपकी बैटिंग पसंद करे तो वो उनको एक एडवांटेज मिल गया उस वक्त हमेशा हमें हमेशा ऐसा लगता था कि अजीत वाडेकर उनमें कॉम्पिटिशन है क्योंकि अजीत वाडेकर यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे और उसके अंडर ये खेल रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि पहले अजीत वाडेकर खेलेंगे फिर दिलीप सरदेसाई खेलेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं पहले दिलीप सरदेसाई टेस्ट मैच खेले और फिर अजीत वाडेकर टेस्ट में आए 1961-62 के वेस्ट इंडीज दौरे पर दिलीप सरदेसाई को रिजर्व बैट्समैन के रूप में चुना गया ताकि वो कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें बारबेडोस में एक साइड मैच के दौरान कप्तान नरी कॉन्ट्रैक्टर मैदान में गंभीर रूप से घायल हुए जिसकी वजह से उनका अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हो गया सरदेसाई इस घटना के साक्षी थे दिलीप यूज्ड टू टेल मी कि जिस तरह से उसने उस दिन बॉलिंग की वो चार्ली ग्रिफिथ ने वो ऐसा कभी किसी ने कभी देखा ही नहीं था ही वाज लाइक अ टॉर्नेडो उन्होंने एक बॉल बाउंसर डाला और नरी जब तक डक करने जाए डक करते तो सर के ऊपर से उसको डक करने का चांस भी नहीं मिला उनके यहाँ लग गई खोपड़ी में और ऐसे जैसे नारियल फूटता कान में से खून नाक में से खून उनको इंजरी भी इतनी बुरी हो गई थी कि इवन एवरीबॉडी वाज वेरी वरीड अबाउट यू नो इज इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ टीम में विजय मांजरेकर पॉली उमरेकर चंदू बोर्डे टाइगर पटौडी एम एल जयसिम्हा सलीम दुर्रानी और रूसी सुरती जैसे होनहार बल्लेबाज मौजूद थे फिर भी नरी कॉन्ट्रैक्टर के घायल होने के बाद टीम में एक डर सा बना हुआ था वहाँ आपके सामने होते हैं ग्रिफिथ और हॉल वर्ल्ड के दो फास्टेस्ट बॉलर उन्होंने कहा कई जो एक्सपीरियंस बैट्समैन थे वो उनको फेस नहीं करना चाहते थे खास करके कॉन्ट्रैक्टर की इंजरी के बाद सब लोग घबरा गए थे और कोई कोई तो प्ले करने के लिए तैयार भी नहीं था तो तब पॉली उमरीगर जो उनके लिए एक फादर फिगर बन गए थे उन्होंने उनको कहा बेटा तू चांस ले ले अगर कोई आपको कहे कि ओपनिंग बैटिंग करोगे तो कह दो कि करोगे तो इनफैक्ट दैट्स व्हाई दिलीप वाज पुश्ड इनटू बिकमिंग अ ओपनिंग बैट्समैन ही डिड नॉट गो एज अ ओपनिंग बैट्समैन वेस्ट इंडीज के दौरे पर सरदेसाई ने कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया लेकिन बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने फास्ट बॉलिंग का सामना काबिले तारीफ अंदाज से किया वहां पे अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स होते थे कवर नहीं होता था वो टाइम तो बॉल यूज टू रियली फ्लाई तो वहां पे अब आप ये ग्रिफिथ और हॉल आ रहे हैं तो आप जयसिम्हा से पूछे आप सब लोगों से पूछे कहते हैं जो सरदेसाई ने खेला है वो टाइम पे उन्होंने कहते हैं कि बस फैंटास्टिक था वो यानी कि कोई हिंदुस्तान का खिलाड़ी खेल ही नहीं सकता था वैसा वो नेचुरल ओपनिंग बैट्समैन नहीं थे उनको बनाया गया था ही वाज फोर्स्ड टू ओपन एक्चुअली वो उनके लिए बहुत डेट्रीमेंटल प्रूव हो गया बिकॉज वो तो वन डाउन बैट्समैन थे दिलीप सरदेसाई के पे थोड़ा इनजस्टिस हो गया दिलीप सरदेसाई को फिर तीसरे नंबर से ओपनिंग को भेजा गया तो कभी उन्होंने रन बनाए कभी उन्होंने रन नहीं बनाए वो 67 जाते हैं इंग्लैंड और उनका हाथ टूट जाता है फ्रैक्चर जॉनसनो ने उनका हाथ फ्रैक्चर किया उसके बाद 68-69 में उन्होंने बहुत रन्स किए बम्बई के लिए वो उनके बेस्ट सीजन थे और वो हमेशा कहते थे आई वॉज बैटिंग माई बेस्ट बिटवीन 68 एंड 70 लेकिन तब विजय मर्चेंट चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बन गए थे और विजय मर्चेंट ने सोचा कि सरदेसाई 28-30 साल के हो गए अब यंगस्टर्स लाते हैं लेकिन 1971 में भारत को वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाना था एक नए कप्तान थे अजीत वाडेकर चयनकर्ताओं ने 16 में से 15 खिलाड़ियों का चुनाव किया और वाडेकर को आखिरी खिलाड़ी चुनने का मौका दिया गया एंड द चॉइस एक्चुअली फॉर वाडेकर वाज बिटवीन पटौडी बोर्डे एंड दिलीप व्हिच इज क्वाइट अ स्ट्रेंज चॉइस दिलीप सरदेसाई
वो मेरे साथ बम्बई के लिए खेले थे 15 बरस और उसका नाम मैंने सजेस्ट किया था क्योंकि दिलीप उनके साथ कॉलेज लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले थे सो ही न्यू ही कुड ट्रस्ट हिम ही कुड टॉक टू हिम सिर्फ दोस्त ऐसा नहीं लेकिन आई टेंड टू डिपेंड ऑन समबडी कि यस ये आदमी पे मुझे भरोसा है वैसा उनका अजीत वाडेकर का शायद ज़्यादा भरोसा दिलीप सरदेसाई पर रहा होगा और उन्होंने दिलीप सरदेसाई को सिलेक्ट किया एंड ही वॉज राइट फर्स्ट टेस्ट मैच एट किंगस्टन जमैका दिलीप सरदेसाई स्कोर 212 द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी अब्रॉड And that 212 in that test match, Gary Sobers' mighty West Indies team, we asked West Indies to follow on. I mean, it was astounding. The West Indies, psychologically, they were shattered and the test match was drawn. But from that test match onwards till the next four for the series, India had the psychological upper hand because of Dilip Sardesai's double century. मैं कुछ महीनों पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे था तो एक CISF का बुजुर्ग सा व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है सर आप चलिए VVIP रूम में तो मुझे लगा वो शायद मुझे TV से जान गए और मुझे बुला रहे हैं तो जैसे हम जा रहे थे उन्होंने मुझे कहा सर किंगस्टन जमैका 212 मैं अभी तक नहीं भूला तो अगर कोई व्यक्ति 50 करीब 45 साल हो गए एक इनिंग्स को जानता हो तो कम से कम मुझे लगता है वो 71 का साल जो था वो एक टर्निंग पॉइंट थी इंडियन क्रिकेट में जब चाहो ऑन हो जाओ एपिक ऑन चलाओ Available across all devices.